हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ए एन टी एस ऑल नॉर्थ ईस्ट टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट वन मैं हूं आपका सीके सर और पहला एग्जाम आपका हो चुका है और आपने एग्जाम कैसा किया कैसा नहीं हुआ कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बने कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने एक बार इस वीडियो के थ्रू आप जाइए और जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो एक बार देखिए सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं लेट लेटेस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन पहला क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल से लिया गया है मैथमेटिकल टूल जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है

आंसर इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बहुत ही सिंपल सा सवाल जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू ये सवाल आता है थर्मोडानेमिक्स से ध्यान से सुनिए बोल रहा रहे की साइक्लिक प्रोसेस इज सोन इन दी टी डायग्राम पी प्रेशर और टेम्परेचर का एक कर्व दिया हुआ है विच ऑफ द कर्व सोज द सेम प्रोसेस ऑन अ अग्राम डायग्राम टी डायग्राम में आपको बताना है कि इसके कारस्पॉन्डिंग कौन सा कर्व सही है निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ देखो ऐसे सवाल बार बार घूम फिर के आते रहते हैं तो एक बार इसको समझते हैं कहानी को सबसे पहले प्रोसेस देखो ए बी बी सी और सी ए एक साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस प्रोसेस है तो प्रोसेस है सबसे पहले बारी बारी से तीनों के बारे में समझते हैं अगर प्रोसेस ए बी की बात करूं ए बी तो आप ध्यान से देखो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहा होगा कॉन्स्टेंट रहा होगा पहली कहानी सुनते जाना

जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ए से बी जाने से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो ये आगे आपका ए बी और अगर सी ए बी बन गया सी ए और ए बी अगर, अगर आपका बन चुका है तो बाकी साइकिल कंप्लीट करने के लिए बी से सी को मिला दो तो ये बन गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग वीटी कर्व और अगर डायग्राम में देखो ऐसा डायग्राम आपको कहाँ मिल रहा है ए बी बी सी सी ए ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है इसमें देखें तो नहीं इसका एरो गलत है सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट तो ऐसे सवाल बार बार घूम फिर के आते हैं एक ग्राफ देख के बाकी ग्राफ्स आपसे पूछे जाते हैं

और गामा गामा बताएगा कि स्लोप किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक मोनोएटॉमिक गैस दिख रहा है एक एक डायटोमिक गैस दिख दिख रहा रहा है है हम जानते हैं कि गामा जो होता है वो मोनोएटॉमिक का सबसे ज्यादा होता है किससे डायटोमिक से और उसके बाद गामा ऑफ ठीक है यानी कि मोनोएटॉमिक का स्लोप सबसे ज्यादा है यानी कि ऊपर वाला जो ग्राफ दिख रहा है वो मोनोएटॉमिक का रहा होगा और उसके नीचे डायटोमिक का रहा होगा या तो फिर डायटोमिक ट्राइटोमिक का रहा होगा ऑप्शन ढूंढो ऊपर मोनोटोमिक सॉरी स्लोप किसका ज्यादा है मोनाटोमिक का ज्यादा है मोनाटोमिक का स्लोप ज्यादा है मतलब नीचे वाला ये हो गया मोनोटोमिक और ऊपर वाला आएगा क्या तो ध्यान से देखो नीचे वाला यानी कि बी मोनोटोमिक होना चाहिए और ए जो है वो डायोटोमिक होना चाहिए ए डायोटोमिक कहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में ऊपर वाला क्या यानी कि ये हो गया आपका ओटू के लिए और ये हो गया मोनाटोमिक किसके लिए आ गया ये हीलियम के लिए आ गया आई बात समझ में सिंपल सा सवाल एडियाबेटिक प्रोसेस से कैलकुलेट वर्क डन गैस फॉर गिवन प्रोसेस अच्छा से देखो, दिया है और है वो, वो क्लॉकवाइज साइकिल है, है अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन पॉजिटिव आता है और पीवी कर्व की बात कर रहा हूँ और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन कैसा आएगा निगेटिव आएगा यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्लॉकवाइज साइकिल बन रहा है और क्लॉकवाइज साइकिल बन रहा है मतलब सिंपली एरिया निकाल लो इसका ध्यान से देखो तो ये रेक्टेंगल है ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा थ्री वी नॉट माइनस वी नॉट यानी कि टू वी नॉट और ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा ये प्रेशर वाले एक्सिस में टू पी नॉट माइनस पी नॉट दैट इज पी नॉट तो रेक्टेंगल का एरिया टू वी नॉट इंटू पी नॉट टू वी नॉट इंटू पी नॉट वैल्यू आ जाएगा टू पी नॉट वी नॉट विथ अ पॉजिटिव साइन तो अगर ऑप्शन देखा जाए प्लस टू पी नॉट वी नॉट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर आसान आसान सवाल है आई होप आपको करके मजा आया होगा अगला सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है साथ में यूनिट एंड डायमेंशन दिख रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी घबराने की बात नहीं है उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज से और हम जानते हैं फोर्स फोर्स क्या होता है मास इन टू एक्सेलरेशन तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा एम एल टी माइनस टू मासन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चार्ज होता है क्यू इक्वल टू आई टी आई फॉर करेंट जिसके लिए ए लेते हैं और t time, टी फॉर टाइम यानी कि टी

तो सी पावर ए लेता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इसका पावर बी मान लिया और तीसरा है प्रेशर प्रेशर पावर मान लेते हैं। सबका डायमेंशन लिखो पहले जी का डायमेंशन क्या लिखोगे जी जी कैसे होता है याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम वन एम टू बाई आर यहाँ से जी का वैल्यू लिखोगे जी का डायमेंशन क्या लिखोगे फोर्स का वैल्यू हो गया कितना एम एल टी माइनस टू टू

फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया हो गया क्या एल स्क्वायर तो ये वैल्यू आएगा एम एल क्यू टी माइनस टू एम एल सॉरी यूनिट एरिया फोर्स पर हो गया एम एल टी माइनस टू एरिया हो गया एल स्क्वायर तो ये वैल्यू आएगा कितना एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू इसका पावर हमने ले लिया सी अब पावर्स को इक्वेट करो एम का पावर देखो एल एच एस में माइनस वन है

और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन थ्री माइनस वन दैट इज टू इक्वेशन नंबर टू ए प्लस बी का वैल्यू टू आना चाहिए देखो इस वाले ऑप्शन में तो आ नहीं सकता है माइनस वन प्लस जीरो टू हो नहीं सकता है तो जीरो प्लस टू यही ऑप्शन सही होने वाला है चाहो तो एक और इक्वेट करके देख लो अगर मैं टी का पावर इक्वेट करूं तो एल में है माइनस और आर में टी का पावर देखो यहाँ पे है माइनस ए पे है माइनस और यहाँ पे है माइनस टू सी का वैल्यू कितना हो चुका है माइनस वन माइनस वन रखोगे तो माइनस माइनस प्लस ये टू हो गया इसको इधर ले आओ तो a प्लस टू बी इक्वल टू ये आर में गया टू और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू ये वैल्यू आ जाएगा फोर ए प्लस टू बी इक्वल टू फोर और ए प्लस बी इक्वल टू टू ए प्लस टू बी इक्वल टू फोर यहाँ से भी देख करो चेक करो निकल के आ रहा है तो अगर इनको सॉल्व करते हो आपस में तो आपको मिल जाता है कितना वैल्यू मिल जाता है ए का वैल्यू मिल रहा है जीरो बी का वैल्यू मिल रहा है कितना टू और सी का वैल्यू मिल रहा है कितना माइनस वन

P equal to a, minus X पहले देखो a का आपको दिख रहा है C में दिख रहा है और D में दिख रहा है ठीक है आगे बढ़ो अब मुझे b का डायमेंशन चाहिए b का डायमेंशन चाहिए b को इधर ले आओ p को इधर ले आओ तो b का वैल्यू ऊपर देखो कितना है एल स्क्टेंस का डायमेंशन नीचे आया प्रेसर

एम माइनस वन एल थ्री टी वन एम माइनस वन एल थ्री टी वन देखो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन याद करो वी आर होता है अंडर रूट थ्री आर टी डिड बाई एम ठीक है टेम्परेचर और मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है बाकी चीजें तो कॉन्स्टेंट है तो दो अलग अलग अगर चीजों की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके अंडर रूट टी बाई एम के यानी कि अंडर रूट अगर बोल रहा है कि इक्वल होना चाहिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इसको हाइड्रोजन मान लेते हैं इसको ऑक्सीजन मान लेते हैं तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर निकालना है तो टी वन बाई हाइड्रोजन का मोलर मास हो गया टू इक्वल टू टी टू अच्छा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसका टेम्परेचर दिया है फोर्टी सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री करो कैल्विन में तो ये वैल्यू आता है सत्तर तीस सौ तीन सौ जीरो तीन सौ बीस कैल्विन तो यहाँ पे आ गया टी टू का वैल्यू थ्री ट्वेंटी कैलविन और मोलर मार्स ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का होता है थर्टी टू तो टू से गया ये सिक्सटीन और सिक्सटीन से जाएगा ये ट्वेंटी आई गेस तो टेम्परेचर आ जाना चाहिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना ट्वेंटी कैलविन में आंसर आएगा ध्यान रखना ट्वेंटी कैलविन कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी ये रहा

बिल्कुल सिंपल सा सवाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह पे क्वेश्चन नंबर एलेवन ध्यान दें फिर से उसी का सवाल है वर्नियर कैलिपर का बोल रहा है इनर डायमीटर ऑफ अ अलो सिलेंडर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड फ्रॉम वर्नियर कैलिपर इट्स रीडिंग इज सोन इन द डायग्राम द डायमीटर विल बी अच्छा इसका डायमीटर भी निकालना है ये आपको फाइनल डायग्राम बना के दिया हुआ है ये मेन स्केल ये वर्नियर स्केल साथ में ये भी बोला है कि टेन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विध नाइन पार्ट अच्छा टेन वी एस डी इज इक्वल टू नाइन एम एस डी नाइन एम एस डी तो वन वी एच डी किसके इक्वल आ गया वन वी एच डी आ गया नाइन बाई टेन एम एस डी अच्छा वन एम एच डी कितना है किसके इक्वल है कितने पार्ट में डिवाइड है एक सेंटीमीटर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस यानी कि वन बाई टेन दैट इज जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर ठीक तो यहाँ उठा के रख दोगे तो नाइन बाई टेन इंटू जीरो पॉइंट वन ठीक है तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेंटीमीटर ये आ गया एक वर्नियर स्केल डिवीजन अब रीडिंग किसके इक्वल होगा रीडिंग हम जानते हैं रीडिंग होता है मेन स्केल मेन स्केल पे कितना मेजर कर रहा है देखो वन टू थ्री फोर फाइव यहां तक तो आया उसके बाद काउंट करो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया सॉरी जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा लिस्ट काउंट आ जाएगा वन मेन स्केल माइनस वन वन स्केल यानी कि जीरो पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो कितना वैल्यू आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर ये आ cm, गया लिस्ट काउंट तो लिस्ट काउंट हो गया जीरो पॉइंट जीरो कर रहा है एक दो तीन चार चौथा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई फोर तो ये वैल्यू देखें हम आता है दैट इज सेंटीमीटर ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है जीरो पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर तो नहीं दिख रहा है लेकिन फाइव पॉइंट फोर एम एम जरूर दिख रहा है इसको आप लिख सकते हो दस से मल्टीप्लाई करके फाइव पॉइंट फोर मिलीमीटर

यहाँ से प्रेशर का वैल्यू निकाल के टी भाई भाई उठा के टी वाई वाई एनआरटी बाई वी को तो ये वैल्यू निकल के आता है तो अगर होता ये है और उसने दिया है टी पावर मतलब इसका पावर कौन? गामा वन, यहां वी का पावर टू बाई थ्री मतलब आता है वन प्लस तू बाई बाई और फाइव बाई थ्री का मतलब होता नथिंग फॉर गामा फॉर मोनोएटॉमिक यानी कि गैस जो है वो मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक यहाँ पे ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है 12 का आंसर हो गया ए ठीक है बात आगे बढ़ते हैं आगे बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज फाउंड टू डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्स वाई एंड जेड ओबिंग रिलेशन क्यू इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर बाई जेड अच्छा एरर एरर वाले सवाल है तो किया तुमने बहुत बार द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ एक्स एंड जेड आर वन परसेंट एंड फोर रेस्पेक्टिवली वट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी क्यू इसमें परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा परसेंटेज एरर आ जाएगा देखो एरर हमेशा एड होगा इस सिचुएशन में x का पावर थ्री है तो थ्री इंटू एर x, x का एरर कितना है थ्री इंटू एक्स का पावर कितना, कितना, तो मतलब कितना, तो एक कितना हो गया वन परसेंट वाई का एरर हो गया जेड टू परसेंट तो टू इंटू टू दैट इज फोर और जेड का रिलेशन हो गया

तो डेल्टा भी कितना है डिवाइडेड का वैल्यू प्लस की बात करें तो डेल्टा हो गया डिवाइडेड ये वैल्यू आता है है और इसको ऐड करोगे तो बनता परसेंटेज में अगर देखोगे तो सात परसेंट के आसपास आता है, 7 C. रहा है वेन तो मेजर वायर मेन स्केल रीडिंग देखो जीरो सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 टू है बढ़िया साथ में ये भी बोला है कि 1 एम ऑफ मेन स्केल स्केलस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लो लिस्ट काउंट हो गया तुम्हारा 1 एम मेन स्केल का कितने पे चल रहा है 100 डिवीजन पे 1 बाई हंड्रेड दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फ्रॉम द एब डाटा डायमीटर कैसे लिखोगे रीडिंग लिखने का तरीका क्या होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई वन लेंथ

बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडानेट एब्जॉर्ब पॉजिटिव है गैस ने तो वर्क डन का वैल्यू आएगा फोर हंड्रेड जूल ठीक है आप साथ में भी बोला है कि वन कैलोरी को फोर पॉइंट टू जूल लेना तो इसको लिख लो टू इन टू वन कैलोरी हो गया फोर पॉइंट टू और किलो जूल रहने दो चलो काम करेगा और रिलेशन लगा दो फर्स्ट लॉफ थर्मो डायनेक्वल टू डब्लू प्लस डेल्टा यू सो डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा क्यू माइनस डब्लू क्यू का वैल्यू कितना हो गया देखो किलो जूल में अगर रहने दें आंसर किलो जूल में दिख रहा है तो ये आता है है तुम्हारा किलो जूल minus, जूल माइनस तो ये ये डिवाइड डिवाइड करोगे तो आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर किलो जूल तो वैल्यू आता है कुल मिला के एट किलो जूल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट किलो जूल ऑप्शन नंबर बी सिंपल सवाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बोल रहा है कि ए कैप एक यूनिट वेक्टर दिया है ए आई कैप प्लस जीरो पॉइंट एट जे कैप देन ए अच्छा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वन होगा मैग्नीट्यूड वन कर दो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट एट का स्क्वायर करोगे तो जीरो पॉइंट सिक्स फोर इक्वल टू वन यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वाइनस इज जीरो का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस जीरो पॉइंट सिक्स ऐसा कोई वैल्यू आएगा प्लस माइनस जीरो पॉइंट सिक्स मतलब ए भी है सी भी है बोथ एंड सी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ठीक क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सिंपल सवाल है बोल रहे एक ऐप प्लस टू बी कैप एंड फाइव ए कैप माइनस फोर बी फोर बी कैप दो वेक्टर हैं आर परपेंडिकुलर टू इच अदर हम जानते हैं कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देते हैं हम जीरो तो कर देते हैं एक कैप प्लस टू बी कैप इसका डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया किसके साथ फाइव ए कैप माइनस फोर बी कैप के साथ एंड इट शुड बी जीरो अब डॉट प्रोडक्ट निकालो सबसे पहले एक कैप का एक कैप के साथ कैप का ए कैप के साथ हो जाएगा मैग्नीट्यूड कैप का स्क्वायर यानी कि इसका इसके साथ करोगे तो बचेगा एप डॉट बी कैप डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है और प्लस माइनस माइनस टू इंटू फोर हो गया एट इंटू बी कैप क्या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया जीरो तो फाइव माइनस एट हो गया माइनस थ्री और टेन माइनस फोर हो गया प्लस सिक्स ए कैप इक्वल टू जीरो यानी कि ए कैप डॉट बी कैप का वैल्यू आ गया कितना थ्री डिवाइडेड बाई सो डॉट बी कैप को मैं लिख सकता हूँ मॉड ए कैप मॉड बी कैप इन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम लेट सपोज थी सॉरी वन बाई टू वन बाई टू ये यूनिट वैक्टर का तो यहाँ से मिला आपको कॉस थीटा टू वन बाई टू सो थीटा का वैल्यू कितना आने वाला है सिक्सटी डिग्री यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल था 60 डिग्री और ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है वेक्टर का आसान सवाल चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अ डायटोमिक आइडियल गैस अंडर गोज अ थर्मोडाने चेंज अकॉर्डिंग टू द पीवी डायग्राम सोन इन फिगर ठीक है द टोटल हीट गिवन टू द गैस इज नियरली हीट निकालना है ए से बी प्लस बी से सी सबसे पहले ए बी को देखो तो ये कौन सा प्रोसेस दिख रहा है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट का वैल्यू क्या होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट का वैल्यू होता है एन सी बी डेल्टा टी डेल्टा टी हो जाएगा टी बी माइनस टी ए एन इंटू सी भी नॉट तो ये बनेगा टू पी नॉट वी नॉट बाई एन आर माइनस ए का टेम्परेचर आ जाएगा कितना पी नॉट वी नॉट बाई एनआर पी नॉट वी नॉट बाई एन आर तो सब करोगे तो ये हो गया तुम्हारा फाइव बाई टू एन आर किसी का टेम्परेचर लिख लो बी का टेम्परेचर हो जाएगा टू पी नॉट वी नॉट बाई एनआर

तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वैल्यू बन जाता है कुछ 3.88 पॉइंट एट पी नॉट वी नॉट के आसपास और बढ़िया था बाकी सवालों के कंपेरिजन में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बोल रहे देखो हीट ट्रांसफर का द स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट टू टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन एंड थ्री ट्वेंटी सेवन इज सोन इन द फिगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे देखो ये हुआ है टीवन फिगर लेट एवन एंड ए टू बी दरियाज अंडर द कर रिस्पेक्टिवलीफ एवन सबसे पहले बताओ एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट करता था टोटलिव पावर एरिया इज एमिस पावर एमिसिव पावर टोटल एमिसिव पावर और एमिसिव पावर प्रोपोर्शनल होता है किसके टेम्परेचर पावर फोर के यानी कि एरिया प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर पावर फोर के तो अगर आपको ए बाय बाई ए वन लिखना है तो आप क्या लिखने वाले हो टी टू बाई टी वन टू दी पावर फोर टी टू टेम्परेचर सेकेंड टेम्परेचर कौन सा है ये टी है ट्वेंटी इज टी वन इज टी तो थ्री प्लस टू करोगे तो ये वैल्यू हो जाता है सिक्स 327 प्लस 273 600 कैल्विन डिवाइड बाय t1 हो जाएगा 27 प्लस 273 डेट इस 300 कैल्विन और इसका पावर फोर 300 से गया ये टू और टू पावर फोर वैल्यू आता है 16 यानी कि एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा कुछ 16 इस टू वन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर त�

और थर्ड रो में आ गया माइनस थ्री वन और फाइव माइनस थ्री वन एंड फाइव लेट्स एक्सपांड सबसे पहले देखो आई के साथ कितना आ जाएगा ये रो गया ये कॉलम गया थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस वन कितना बचा फोर्टीन आई कैप उसके बाद जे के साथ आता है माइनस साइन माइनस जे कैप इंटू इसके अंदर देखो क्या आने वाला है सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री यानी कि थर्टी फाइव प्लस थ्री इंटू जे कैप और इसके साथ फिर से प्लस के कैप और इसके अंदर क्या आने वाला है जरा देख लें हम सेवन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस नाइन तो ये वैल्यू निकल के आता है कुछ आई कैप माइनस थर्टी फाइव प्लस थ्री हो गया थर्टी एट जे कैप और ये हो गया प्लस सिक्सटीन के कैप ऐसा कुछ टॉर्क आ रहा है वेक्टर फॉर्म में तो अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो फोर्टीन आई कैप माइनस थर्टी एट जे कैप प्लस के कैप ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इफ ये ये वेक्टर ए है मान लो एंगल थीटा है तो इसका प्रोजेक्शन निकालना है बी पे ये वाला चीज कितना आएगा इसका वैल्यू ए कॉस्थीटा या फिर मॉडे ऑस्थिटा और ए कॉस्थिटा को और आप क्या लिख सकते हो A theta का आप लिख सकते हो इंटू कॉस्टेटा तो प्रोजेक्शन ऑफ ऑन बी निकल के आता है ए डॉट बी डिड बाई बी वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी अगर निकालो यहाँ से देखो ए वन ए टू बी वन बी टू सी सी टू करोगे तो टू इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू प्लस थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन एंड प्लस माइनस वन इंटू फोर दैट इज माइनस फोर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना अंडर रूट में माइनस वन स्क्वायर वन थ्री स्क्वायर नाइन एंड फोर स्क्वायर सिक्सटीन वैल्यू ऐसा लगता है जैसे नाइन माइनस सिक्स ऊपर आ रहा है थ्री और नीचे आ रहा है अंडर रूट में ट्वेंटी सिक्स ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है

तो 9x एक्स माइनस नाइन इंटू टू सेवेंटी थ्री करोगे तो 9 इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन टू नाइन इंटू सेवन सिक्सटी थ्री और 6 हो गया 24 और आर में देखो 5 को उधर भेजोगे तो 5x एक्स माइनस फाइव इंटू थर्टी कितना होता है 160. 5X को लाओ तो 9x एक्स माइनस फाइव हो गया कितना 4x एक्स आर में जाओगे अगर आप तो 2457 उधर गया 2457 फोर फाइव सेवन माइनस वन सिक्सटी इसको क्ट करते हो तो ये वैल्यू आता है सेवन नाइन टू 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 नाइन सेवन और यहाँ से एक्स का वैल्यू अगर निकालोगे तो टू टू नाइन सेवन डिवाइड बाई फोर यह वैल्यू कुछ फाइव हंड्रेड सेवन फोर के आसपास कुछ तो दिख रहा है मोटा मोटी ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है देखो फाइव सेवेंटी फोर पॉइंट टू फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी कि बोला दोनों स्केल में रीडिंग क्या है सेम है तो दोनों के रीडिंग को सेम कर दिया हमने सिंपल सवाल थर्मोमेट्री का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

डिवाइडेड बाई फाइव be equal टू एक्स माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज ट्वेंटी रीड बाई थर्मोमीटर एंड boiling पॉइंट कितना रीड कर रहा है 150 तो नीचे आएगा 150 फिफ्टी माइनस ट्वेंटी इन टू यानी कि 60 बाई फाइव हो गया कितना 12 इधर आ गया देखो x माइनस ट्वेंटी डिवाइड बाईन ट्वेंटी इज वन थर्टी इंटू ट्वेंटी जीरो से गया जीरो इस टू को इधर ले आओ ये हो गया सिक्स सिक्स इंटू थर्टीन होता है सेवनटी एट आर में चला गया कितना एक्स माइनस ट्वेंटी तो यहाँ से अगर देखो तो एक्स का वैल्यू आता है सॉरी नॉट होता है 98, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा नाइनटी एट डिग्री सेल्सियस सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन ये सब सवाल आपने किए होंगे नेक्स्ट बोल रहा है इन अ गिवन सीरीज कॉम्बिनेशन सिस्टम ऑफ रॉड्स रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी इन अ गिवन सीरीज कॉम्बिनेशन सिस्टम ऑफ रॉड्स रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी अच्छा यहाँ से कितना हीट फ्लो कर रहा है आई का वैल्यू निकालना है, या फिर जिसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी बोलते हैं अच्छा इसका वैल्यू होता है के ए टी वन माइनस टी टू डिड बाई एल तो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है इसके लिए के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं के इक्विवेलेंट सीरीज में होता है टू के वन अगर डायमेंशन सेम है तो टू के वन के टू बाई के वन प्लस के टू तो ये वैल्यू आ जाएगा टू इंटू के वन हो गया फोर के टू हो गया ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर प्लस ट्वेल्व ये वैल्यू आ रहा है कितना टू इंटू फोर इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सिक्सटीन तो देखो फोर से गया फोर फोर से गया थ्री थ्री इंटू टू कितना आ गया सिक्स तो आई का वैल्यू क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट -E का वैल्यू आ गया सिक्स एरिया दिया हुआ है कितना? टू हंड्रेड माइनस जीरो कुछ मिल रहा है सिक्स इंटू एक जीरो से पॉइंट जाएगा तो यहाँ बचेगा ट्वेंटी कैंसिल हो गया सिक्स इंटू टू दैट इज ट्व जूल पर कुछ वैल्यू कहीं दिख रहा है, क्या? 12 second, yes, है? से ये सवाल नेक्स्ट बोल रहा है इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट देखो स्पेसिफिक हीट किसी सब्सटेंस का इनफाइनाइट का मतलब क्या है स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी अगर स्पेसिफिक हीट इनफिनिटी आ रहा है मतलब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा है अगर सिंपल शब्दों में सोचा जाए तो स्पेसिफिक हीट कौन से प्रोसेस में इनफिनिटी होता है आइसोथर्मल प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो ऑप्शंस पढ़ लो मीन्स हीट इज गिवेन आउट नहीट इजन आउट नही नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस वेदर हीट इज टेक और आई बार समझ में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ध्यान रखें स्पेसिफिक हीट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द टेम्परेचर वर्सेज टाइम ग्राफ इज सोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसिस ए बी सी अच्छा आपने पढ़ा होगा कि अगर डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो तो स्पेसिफिक हीट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू स्लोप होता है जिसका स्लोप टेम्परेचर टाइम कर्व में स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप यानी कि जिसका स्लोप जब से सबसे ज्यादा है स्लोप किसका सबसे ज्यादा है ए का फिर बी का फिर सी का तो स्पेसिफिक हीट सबसे कम होगा ए का उसके बाद आएगा बी का और उसके बाद आएगा सी का ऑप्शन पढ़ लो बोल रहा है कि ए बी सी हैज द लोवेस्ट हीट कैपेसिटी इफ हीट इज सप्लाइड ऑल ऑफ देम इक्वल रेट ठीक है तो सबसे कम किसका होगा ए का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू हंड्रेड ग्राम ऑफ कॉपर टू इंक्रीज इनक्रीज इटर बाई ट्वेंटी पहले हीट निकाल लेते हैं कितना हीट दिया गया होगा इक्वल टू क्या होता है डेल्टा मास कितना है इसका हंड्रेड ग्राम ग्राम में है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का दिया है कितना फोर जूल पर के जी तो एक काम करो इसको के में यूज करो हंड्रेड ग्राम है मतलब हंड्रेड बाई था के जी इंटू स्पेसिफिक फोर हंड्रेड जूल पर के पर केलविन ठीक है और डेल्टा टी कितने से बढ़ाना था टेम्परेचर ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस ठीक है एक दो ये दोनों गया एक जीरो से ये जीरो गया ये वैल्यू आ रहा है कितना फोर वन फोर एट एट फोर्टी जूल इतना हीट दिया उसने आगे क्या बोल रहे हैं इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवेन टू फिफ्टी ग्राम ऑफ वाटर इज अगर सेम हीट 50 ग्राम वाटर को दे दें यानी कि फिर से मैं लगा रहा हूँ क्यू इक्वल टू फिफ्टी ग्राम ऑफ वाटर विल बी हाँ जी कितना आ जाएगा

तो यहाँ बचा ट्वेंटी और यहाँ एक फाइव बचा है तो ट्वेंटी बाई फाइव कितना आ जाएगा फोर डिग्री सेल्सियस यानी कि चेंज इन टेम्परेचर वाटर के लिए कितना आने वाला है फोर डिग्री सेल्सियस आने वाला है ठीक है बात क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बोल रहा है एन आयरन बॉल ऑफ मास जीरो पॉइंट टू के जी इज हीटेड टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड पुट इन टू अ ब्लॉक ऑफ आइस एट डिग्री सेल्सियस तो बोला कि ट्वेंटी है एट्टी कैलोरी पर ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दिया है इन कैलोरी पर ग्राम अच्छा स्पेसिफिक हीट पूछा है

कहाँ आया होगा जीरो चूंकि आइस के ऊपर रखा है तो फाइनल टेम्परेचर उसका जीरो हुआ होगा तो हंड्रेड माइनस जीरो कितना हो गया डेल्ट हंड्रेड और ये हीट लेके 25 ग्राम आइस मेल्ट हुआ है यानी कि Q इक्वल टू एम मास कितना 25 और लैटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है कितना देखो 80 कैलोरी पर ग्राम तो यहाँ पे आ गया 80 यहाँ से देख लो एक जीरो से एक जीरो तो ये यह गया यहाँ से स्पेसिफिक हीट कितना आ जाएगा यहाँ बचा 25 फाइव इंटू कितना होता है टू हंड्रेड ट्वेंटी कितना हो गया टू और नीचे आ गया 200 हंड्रेड इंट हंड्रेड से टू हंड्रेड गया वैल्यू आ रहा है कुछ 0.1 0.1 में यानी कि नंबर बी ठीक है ये भी कुछ खास नहीं सिंपल सवाल आई होप आपने ये सब सवाल किए होंगे आगे बोल रहा है स्पीड ऑफ 180 एटी मीटर पर सेकेंड देखो बुलेट एक जा रहा है जिसका स्पीड दिया है 180 meter per second.

इक्वल टू एम एस डेल्टा टी एम से एम तो देखो कैंसिल हो गया हमें निकालना क्या है टेम्परेचर ऑफ द बुलेट राइजेस भाई डेल्टा टी निकालना है तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई इधर आ जाएगा ये टू से टू गया देखो इधर आ गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री इंटू स्पेसिफिक हीट एस वी का वैल्यू दिया है वन मीटर पर सेकेंड तो वन एटी यूनिट का ख्याल रखना डिवाइड बाई थ्री और स्पेसिफिक हीट दिया है आपको कितना स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड इज जीरो जूल पर ग्राम

12 into 3 हो गया तुम्हारा 36. 18 से गया 2, 2 से गया तुम्हारा से से तो कितना कितना आता है है 90. 90 के आसपास आएगा यानी यानी कि option number कितना? C. है? कि ठीक काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें हीट में जितना काइनेटिक एनर्जी बुलेट के पास था उसका टू थर्ड पार्ट उसके साथ हीट में कन्वर्ट हो गया उस टू थर्ड पार्ट ने क्या किया उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया नेक्स्ट बोल रहा है फाइव ग्राम ऑफ स्टीम एट हंड्रेड डिग्रीचर कितना दिया है इसका हंड्रेड डिग्रीचर कितना जीरो आइस दिया हुआ है कैलोरी पर ग्राम में फाइव फोर्टी एंड एट्टी रेस्पेक्टिवलीम्परेचर मान लेते हैं कि फाइनल वाटर बना देखो ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या है लेटर फाइनली वाटर बन गया एच टू ओ जिसका टेम्परेचर है टी डिग्री सेल्सियस अब इस एच टू बनने के लिए इसने हीट लॉस किया होगा इसने हीट गेन किया होगा यानी कि हीट लॉस शुड बी इक्वल टू हीट गेन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ठीक है चलो हीट ये हीट लॉस लॉस ये क्या करेगा सबसे पहले स्टीम से क्या बनेगा वाटर यानी कि फेज चेंज मास कितना है इसका फाइव लेटेंट हीट इसका फ्यूजन का कितना सॉरी वेपोराइजेशन का कितना दिया हुआ है फाइव फोर्टी प्लस हंड्रेड डिग्री से ये टी डिग्री तक आएगा वाटर यानी कि अब लगेगा क्या

अगर टेम्परेचर सौ से ज्यादा आ जाए इसका मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस रहा है देखो सॉल्व करते टाइम अगर टेम्परेचर अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम टेम्परेचर जीरो से हंड्रेड के बीच में रहता है मतलब जो आ रहा है वो सही है क्योंकि हमने वाटर एज्यूम किया है ना वाटर और वाटर जो है वो जीरो से हंड्रेड के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो अगर फाइनल आंसर आपका जीरो से हंड्रेड के बीच में आ रहा है तब तो सही है लेकिन अगर आपका फाइनल टेम्परेचर हंड्रेड से ज्यादा आ जाए या जीरो से कम आ जाए मतलब वाटर तो नहीं मिलने वाला है मतलब या तो कंप्लीट स्टीम पानी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है या फिर अगर निगेटिव में आ रहा है तो कंप्लीट आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं क्या अगर टेम्परेचर 100 से ज्यादा आ जाए तो आप मारोगे फाइनल टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस और अगर यही टेम्परेचर मेरा जीरो से कम आता तो फाइनल टेम्परेचर में टिक करता जीरो डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना इस बात का फाइनल so, यहाँ पे हो जाएगा आपका हंड्रेड डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट बोल रहा है डेंसिटी नंबर एक्सपांशन ध्यान रहे लीनियर एक्सपांशन सबसे पहले डेंसिटी वाला रिलेशन याद करो रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल इंटू वन माइनस गामा आता है ये वॉल्यूम एक्सपानशन है इंटू डेल्टा टी फाइनल डेंसिटी दिया है नाइन पॉइंट सेवन इनिशियल डेंसिटी है इसका कितना टेन इंटू वन माइनस गामा इंटू डेल्टा टी कहाँ से कहाँ जा रहा है ये था और यहाँ से, तो तो से गामा का वैल्यू आप देखो आता है ये उधर जाके टेन पावर माइनस टू और यहाँ से टेन पावर कितना आ गया ये वैल्यू थ्री बाई हंड्रेड यहाँ आएगा और एक हंड्रेड और आ रहा है नीचे इन टू हंड्रेड तो ये वैल्यू आ रहा है गामा का थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस फोर ये गामा है क्या ये है? गामा है तो थ्री इंटू टेन टू दी माइनस फोर तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा टेन टू दावर माइनस फोर डिग्री सेल्सियस इनवर्स टेन पॉर माइनस फोर अगर आपको कहीं दिख रहा है अगर नहीं पता तो एक बार टॉपिक को ध्यान से पढ़े नेक्स्ट बोल रहा है एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर देखो एक आयरन और एक एलुमिनियम ऐसे ज्वाइन कर दिया ये पचास सेंटीमीटर का ये हंड्रेड सेंटीमीटर का ये एलुमिनियम है ऑल मेजरमेंट रेफर टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस अच्छा ये शुरू में ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे है द दफीसियंट ऑफ लीनियर एक्सपानशन ऑफ आयरन एंड एलुमिनियम दिया हुआ है ये आयरन का है ये एलुमिनियम का है ये आयरन का ये एल्यूमिनियम का ठीक द एवरेज कॉफिशियंट ऑफ कंपोजिट द एवरेज कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ द कंपोजिट सिस्टम ठीक है अच्छा अल्फा एवरेज निकालना है आ जाइए मान लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी से हुआ और नेट जो लेंथ में चेंज हुआ वो डेल्टा एल का था टोटल तो डेल्टा एल टोटल जो होता क्या दोनों के सम के बराबर होता इसमें कितना हुआ इसमें कितना हुआ तो आयरन में जो हुआ उसको डेल्टा एल वन मान लेते हैं और एल्यूमिनियम जो हुआ उसको डेल्टा एल टू मान लेते हैं अब डेल्टा एल क्या होता है

और इसका अल्फा दिया हुआ है आपको ट्वेंटी फोर इंटू टेन पावर माइनस सिक्स इंटू डेल्टा टी ये टी ये टी और ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाता आप यहां से देखो अल्फा का वैल्यू निकल के आता है कितना ये है फिफ्टी इंटू दोनों से टेन पॉर माइनस कॉमन कर लो तो टेन पावर माइनस सिक्स कॉमन कर लोगे अंदर आएगा फिफ्टी इंटू हो गया सिक्स प्लस 100 इंटू ट्वेंटी हो गया 2400 ये आएगा और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 150 तो ये वैल्यू सॉल्व करो कितना ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस 600 हो गया 3000. ट्वेंटी इंटू टेन पावर माइनस सिक्स ऑप्शन कहीं दिख रहा है यस ऑप्शन नंबर सी ये वैल्यू निकल के आ जाता है ट्वेंटी इंटू टेन पावर माइनस सिक्स दिस इज एवरेज कॉफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपांस फॉर दी कंपोजिट सिस्टम ठीक है बात नेक्स्ट

अगर रॉड ऐसा है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अगर ऐसा रॉड है ये अल्फ़ा वन है ये अल्फ़ा टू है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो और यहाँ पे अगर आपको ये पता लग जाए कि अल्फ़ा वन इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा टू है अगर पता लग जाए तो तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जिसका अल्फा ज़्यादा है उसका एक्सपानसन ज़्यादा होगा यानी कि वो बाहर की तरफ रहेगा और जिसका अल्फा कम है वो अंदर की तरफ ये बेंड होके ऐसा हो जाएगा ऐसा कुछ कहानी होता है ये अल्फा वन ये अल्फा टू

टी वन माइनस टी टू यानी कि टी माइनस जीरो डिवाइड बाई इसका लेंथ कितना दिया है सिक्स सिक्स से गया देखो थ्री के से गया के ए और ये थ्री से गया थ्री तो थ्री इंटू हंड्रेड हो गया थ्री हंड्रेड माइनस थ्री टी इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया टी यानी कि थ्री हंड्रेड इक्वल टू थ्री टी प्लस टी कितना फोर टी तो टी का वैल्यू आ गया थ्री हंड्रेड बाई फोर इज सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल सवाल बहुत ही नेक्स्ट रहे हैं सेक्शन बी में

एक्स माइनस एफ पी डिडेड बाई बी पी माइनस एफ पी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटीचर कितना दिया है 34 फोर डिड बाई मान लिया कि इसका रीडिंग एक्स है फ्रीजिंग है आपको माइनस ट्वेंटी तो यहाँ ट्वेंटी डिवाइड बाई बॉयन थर्टी सो वन थर्टी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट माइनस ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी तो ये वैल्यू कितना बनता है 34 फोर इक्वल टू ये पर आ गया एक्स 20 नीचे आ रहा है 130 plus 20, that is 150. ट्वेंटी जीरो से गया जीरो एक काम करो फाइव को इधर लाओ फिफ्टीन को ले जाओ फाइव को भेज दूँ तो फाइव तो और टू मिलके हो जाएगा टेन और टेन के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टेन एक्स प्लस ट्वेंटी हो गया टू हंड्रेड यहाँ से मिलता है आपको टेन एक्स इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ फिफ्टीन इंटू थर्टी फोर का वैल्यू आता है छाइव हंड्रेड टेन माइनस टू हंड्रेड तो यहां से वैल्यू आता है एक्स इक्वल टू फाइव हंड्रेड टेन माइनस और अगर रीडिंग देखें दिख रहा है ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए ए करेक्ट चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन के ऊपर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अगर देखो क्या बोल रहा है बोल रहा है अगर आपने ग्राफ को ऑब्जर्व किया होगा टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम वाटर का कैसे चेंज करता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था अगर आपको याद हो और ये वाला टेम्परेचर हुआ करता था फोर डिग्री सेल्सियस यानी कि जब टेम्परेचर इसका जीरो से बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम पहले तो डिक्रीज करता है फोर डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम इसका मिनिमम होता है उसके बाद वॉल्यूम वापस से क्या होता है बढ़ने लगता है यानी कि पहले वॉल्यूम डिक्रीज होता है फिर मिनिमम होता है और वापस बढ़ना शुरू होता है ठीक है तो ऑप्शन देख लो बोल रहा है कि हीट कर रहे हैं जीरो से टेन डिग्री सेल्सियस तक जीरो से कहा तक टेन डिग्री सेल्सियस तक तो वॉल्यूम क्या होगा पहले तो घटेगा फिर बढ़ेगा यानी कि फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट सिंपल सा सवाल बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ वाटर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ पॉइंट इज गिवेन बाई यू इक्वल टू ये देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दिया है वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट ठीक है द डायमेंशन ऑफ ए बी ए बी का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले तो ये पता कर लो देखो डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस एड होगा तो बी का डायमेंशन होगा एल पहला चीज़, ठीक है? अब ए का डायमेंशन कितना आ जाएगा ए का डायमेंशन आ जाएगा ये एनर्जी है एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल माइनस टू इन टू एल ये नीचे वाला डिस्टेंस है तो इन एल डिड बाई ये रूट डिवाइड होगा यानी कि रूट एल यहाँ से ए का डायमेंशन निकल के आता है ये रूट एल से जाएगा रूट एल ये बन जाता है एम l एल पावर टू प्लस वन बाई टू l पावर आ जाएगा फोर प्लस टी पावर माइनस टू ये a का डायमेंशन है तो a इंटू बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा b तो l है एक l और मल्टीप्लाई करो तो m इंटू एल पावर में फाइव बाई टू प्लस वन दैट इज सेवन बाई टू टी पावर माइनस टू एम एल पावर सेवन बाई टू टी माइनस टू एम एल सेवन बाई टू टी माइनस टू ऑप्शन नंबर बीस करें सिंपल सवाल यूनिट एंड डायमेंशन से

टी पावर फोर माइनस टी नॉट पावर फोर यानी कि सेम तो तो रहेगा डिवाइडेड बाई टी टू पावर फोर माइनस टी नॉट पावर फोर ठीक है इनिशियल कितना दिया हुआ है एक्स वन तो के जगह पे आ गया आर नॉट डिड बाई एक्स टू एक्स टू इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर देखो बॉडी का 600 पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300 पावर 4 डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर बॉडी का है 900 पावर 4 माइनस सराउंडिंग सेम 300 पावर 4 यानी कि आर नॉट डिवाइडेड बाय एक्स टू इक्वल टू दोनों से 300 पावर 4 न्यूमरेटर में कॉमन तो अंदर आ जाएगा टू पावर फोर माइनस और नीचे थ्री पावर फोर कॉमन कर लोगे तो थ्री पावर फोर माइनस ये कैंसल

ये रहा होगा लिक्विड और ये रहा होगा लिक्विड प्लस वेपर मतलब यहाँ वेपोराइजेशन हो रहा है इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में टाइम कितना लगा देखो पहले यहाँ से यहाँ तक हंड्रेड माइनस हंड्रेड्रेड से नाइन हंड्रेड में हीट कितना एक सेकंड में हीट वन थाउजेंड तो नाइन हंड्रेड सेकंड में नाइन हंड्रेड इंटू वन थाउजेंड जूल ये आ गया हीट अब हीट को किसके इक्वल कर दो एम एल के आंसर किसमें दिया है जूल पर के जी में तो क्यू को बराबर करो एम एल से इक्वल टू नाइन जीरो 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 इतना जूल तो लैटेंट हीट का वैल्यू आ जाएगा नाइन एक दो तीन चार पाँच जीरो डिवाइड बाई मास मास दिया है टू हंड्रेड ग्राम इसको के में चेंज कर लोगे तो टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड वन थाउजेंड और ऊपर आ गया ये दो जीरो से ये दो जीरो गया टू से गया फाइव तो वैल्यू आ रहा है कितना नाइन इंटू फाइव होता है फोर्टी फाइव इंटू टेन टू दावर आ रहा है फाइव इतना जूल पर के तो अगर ऑप्शन देखा जाए 4.5 इसको लिख सकते हैं हम 4.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर क्या सिक्स जूल पर के बिल्कुल सिंपल कहानी है जब वेपोराइजेशन स्टार्ट हुआ है तो 900 हंड्रेड सेकंड लगा है 900 हंड्रेड सेकंड में टोटल हीट कितना ट्रांसफर हुआ निकाल लिया और Q को इक्वल कर दिया हमने एम से वहां से L आ गया सो ऑप्शन नंबर आ गया ए 4.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर सिक्स जूल पर के नेक्स्ट बोल रहा है डेंसिटी वर्सेस प्रेशर अच्छा डेंसिटी और प्रेशर का कर्व दिया है

दो जीरो से ये दो जीरो तो गया थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स होता है 1296 और दो जीरो और बच गया ऐसा कुछ वैल्यू आएगा क्या था किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए ऑप्शन नंबर सवाल यूनिट्स का. नंबर फोर्टी फोर बोल रहा है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर टू जीरो टू रेज टेम्परेचर बाई ट्वेंटी कैलविन वेन हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होता है बच्चों कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट होता है एन सी पी डेल्टा टी कितना हीट लगा टू हंड्रेड सेवन जूल इक्वल टू कितना मोल वन मोल सी पी कौन सा गैस है आइडियल गैस कुछ बोला नहीं है तो सी पी तो सी पी रहेगा डेल्टा टी कितना आ जाएगा टेन केलविन से चेंज किया टेम्परेचर तो टेन तो यहाँ से सी पी का वैल्यू आता है देखो ट्वेंटी पॉइंट सेवन जो भी है आगे बोल रहा है इफ़ द सेम गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर बाई द सेम टेन कैलविन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट क्या लिख लोगे एन सी भी डेल्टा टी सही है वन सी भी कितना आ जाएगा अगर सी पी ट्वेंटी पॉइंट सेवन है तो सी का वैल्यू आ जाएगा सी पी माइनस सी भी इक्वल टू क्या होता है आर तो सी पी का वैल्यू कितना आ जाएगा ट्वेंटी पॉइंट सेवन अपने पास है सी पी माइनस सी इक्वल टू आर तो सी बी का वैल्यू आ जाएगा सी पी माइनस आर सी पी माइनस आर सी पी आ गया ट्वेंटी पॉइंट सेवन और आर का वैल्यू ले लो एट पॉइंट थ्री वन ऐसा कुछ एट पॉइंट थ्री के आसपास तो ट्वेंटी माइनस एट कितना हो गया ट्वेंटी माइनस एट हो गया ट्वेल्व पॉइंट फोर के आसपास ये वैल्यू आता है एक बार रख के देखो तो सी बी का वैल्यू आ गया ट्वेल्व पॉइंट फोर और डेल्टा टी सेम रखना है कितना रखना है डेल्टा टी टेन केल्विन तो टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन ट्वेंटी फोर के आसपास आता है वन ट्वेंटी फोर जूल

यानी थर्टी फोर बाई टू आर डिड बाई टीन सेवन सेवन आर ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। ऑफ एट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। में बोल रहा है इफ नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100 सर्कुलर स्केल पे टोटल कितना है 100 एंड नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन टू स्क्रू इज

एक काम करो इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो यहां आएगा ए कैप मॉड स्क्वायर प्लस बी कैप मॉड स्क्ट बीवल टू कितना फोर देखो ये यूनिट वेक्टर है तो वन बन गया ये वन बन गया वन वन उधर गया तो ट्वाइस ए डॉट बी इज इक्वल टू फोर माइनस टू हो गया टू टू से टू कैंसिल ए डॉट बी का वैल्यू आ गया वन मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए कैप स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप देखो ये प्लस वन माइनस टू इन टू और ए डॉट बी का वैल्यू भी कितना आ गया? One, तो two two आ गया तो ये रहा है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो सिंपल सवाल वेक्टर से ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट बोला कि इफ डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड डब्लू वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम देन डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्लू इन आइसोथर्मल प्रोसेस गलत आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा यू तो जीरो के बराबर हो जाता है ये तो गलत है डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू इन आइसोथर्मल गलत डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्लू इन एडियाबेटिक यस अगर एडियाबेटिक की बात करें एडियाबेटिक में हम जानते हैं क्यू का वैल्यू जीरो या फिर डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक से क्यू इक्वल टू डब्लू प्लस डेल्टा यू में अगर क्यू जीरो हो जाए तो डब्ल्यू का वैल्यू माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है

ये वैल्यू मोटा-मोटी कुछ निकल के आता है ये वैल्यू आता है 2.62 सेकंड के आसपास अब आपसे पूछा क्या है देखो एवरेज एब्सोल्यूट एरर तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा लिखो वैल्यू हाँ जी मैग्नीट्यूड ऑफ 2.62 माइनस पहला वाला वैल्यू कितना था 2.63 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2.62 माइनस 2.56 प्लस डॉट 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 ये लिखते जाओ

वेयर आर इज रेडियस ऑफ बॉल एंड वी इज वेलोसिटी ठीक है निकालते हैं ईटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा देखो एफ डिवाइडेड बाई नीचे आएगा सिक्स पाई आर वी फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू मास इनटू एक्सेलरेशन नीचे रेडियस का डायमेंशन हो गया रेडियस तो लेंथ एल और वेलोसिटी का हो गया मास मीटर पर सेकेंड दैट इज एल टी माइनस वन ये एल एल उड़ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा एम एल माइनस वन और ये टी माइनस वन ऊपर जाके प्लस टी बन जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन ऐसा कुछ वैल्यू दिख रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन ऑप्शन नंबर डी तो बच्चों ये था आज का पेपर पहला पेपर था तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करूं तो पेपर कुल मिला के आसानी बनाया गया था फर्स्ट पेपर जानबूझ के हमने थोड़ा आसान बनाया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पहली बार में ही आपसे सवाल बनना बंद हो गया है इतना भी ज्यादा आसान नहीं था सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी थे तो अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई किया होगा सिलेबस बहुत छोटा था तो उम्मीद करता हूँ इस पेपर में वन में वन स्कोर कर सकते हो आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट 150 के ऊपर मार्क्स जरूर लेके आएगा अगर आपका मार्क्स 150 से नीचे आ रहा है 140 के नीचे आ रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को और रिवाइज करने की जरूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाने की जरूरत है एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं तो आप तैयारी पे लगे रहो बिल्कुल मत घबराओ अभी जस्ट कहानी स्टार्ट हुआ है यहाँ से कहानी बदलते देर नहीं लगेगी ज़रूरत है टाइम के साथ चीज़ों को ले चलने की पुराना चीज़ भूलना नहीं है करंट चीज़ों को साथ साथ ले चलना है दोनों को बैलेंस करके लेके चलो और हर ए जो भी अगला एग्जाम आने वाला है उसका सिलेबस पता करो उसके लिए बढ़िया से पढ़ाई करो कोई भी डाउट होता है अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बात करो डाउट्स को क्लियर करो और रेगुलर पढ़ाई करते रहो थैंक यू सो मच मिलेंगे अगले टेस्ट पेपर में फिर से ऑल द बेस्ट